अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। सर कॉफी। तुम कैसे आई? सॉरी। मैं तो दादी के लिए आई हूँ अंकल। क्यों? मुझे देखकर आपको खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली क्या है ना, मैं राजवीर का इंतजार कर रहा था, तो मुझे लगा कि शायद वो आया है, तो वो नहीं दिखा, तुम दिखी, तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो गया। क्या ना, स्ट्रेस बहुत है काम का मुझे, तो राजवीर थोड़ा समझता है चीजों को और वो मुझे यकीन है कि वो हैंडल कर लेगा, इसलिए मैंने उसे हैंडल करने के लिए बुलाया। ओके महेश अंकल, कल ना मैं घर आ जाऊँ, मतलब घर थोड़ा जल्दी आ जाऊंगी, दादी को सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे लेकर जाने, तो आप भी हमारे साथ चलना। मैं? क्यों? Why? आप? क्योंकि मैं देख रही हूँ ना, आपको बहुत सारा स्ट्रेस है। ये स्ट्रेस ना बहुत बेकार चीज होती है, इसी से बीमारियां होती है। ये प्रॉब्लम ही हर टेंशन की जड़ होती है, और मैं देख सकती हूँ कि स्ट्रेस की वजह से ना आप इतने अनफिट हो। मैं अनफिट हूँ? अरे कैसे? आप राजवीर आगे आ जा बेटा, आ जा। कहाँ फंसा दिया मुझे, मतलब कौन है ये, कहाँ से आई है? मतलब इतने बड़े आदमी को ये पिज्जी का शोरबा डांट रहा है, मतलब पिज्जी का शोरबा? तुमने इन्हें डांटा? हाँ डांटा, तो क्या हुआ? वैसे तुम कैसे हो? इन दोनों के बीच कुछ तो है, कुछ तो खिचड़ी पक रही है दोनों के बीच, कुछ दोस्ती जैसी, कुछ अपने जैसी। मेरा मतलब तुम कैसे हो यार? तुम मैंने कुछ कहते क्यों नहीं? तुम्हें दिखाई नहीं देता महेश अंकल को इतना सारा स्ट्रेस है? इन्हें ना दुनिया भर का स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस, ऑफिस का स्ट्रेस, रिश्तेदारों का स्ट्रेस, रिश्तेदारी निभाने का स्ट्रेस, इतना सारा स्ट्रेस। ये स्ट्रेस से ही ना बीमारियां फैलती है। तो मैं बस इन्हें यही कह रही थी कि कल सुबह ना आप मेरे साथ वॉक पर चलिए, जब मैं दादी को लेकर जाऊंगी। वॉक पर चलेंगे, सुबह की धूप मिलेगी, विटामिन डी मिलेगा, ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, हेल्थ मेंटेन रहेगी। लेकिन नहीं, ये मेरी बात ही नहीं सुनते। और आप मुझे ऐसी क्या देख रहे हो? मुझे दादी ने बताया कि आपको है ना ब्लड शुगर है। अरे बस 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 बस, ये जो घोड़े दौड़ा रही है उनको रोको यार, मतलब क्या राजधानी एक्सप्रेस की तरह बढ़ती चली जा रही हो? मैंने हार मान ली, मैं ना अपना पूरा ध्यान रखूंगा मैडम, और मैं कल से सब डाइट भी कंट्रोल में लूंगा, और आपके साथ जो अभी आपने कहा ना मॉर्निंग वॉक पे भी जाऊंगा, तुम्हारे साथ और माँ के साथ, दोनों के साथ मैं जाऊंगा। लेकिन इस वक्त जिस काम के लिए मैंने इसे बुलाया, मैं वो काम करूँ, जरूरी काम। हाँ वो लक्ष्मी इंडस्ट्री का प्रेजेंटेशन बनाना है और मुझे उसकी कुछ डिटेल्स चाहिए। अच्छा मैडम, मैं लेके जाऊँ? चलिए जी, नो स्ट्रेस। ओके पक्का नो स्ट्रेस। एक्सक्यूज मी, वो मार्केट में जो एक लेडी का एक्सीडेंट हुआ था उसका केस यही आया है ना? एक लेडी का एक्सीडेंट हुआ था? हाँ उनका केस आया है। मुझे पता था यही लेके आए होंगे। अच्छा सुनिए ना, एक बात बताइए, वो जिंदा है या मर गई? क्या होता है ना, मौत बहुत भयानक होती है ना, कभी भी आ जाती है, जवानी होती है आ ही जाती है, रुकती थोड़ी है ना किसी के लिए। एक्चुअली मुझे ना एक पंडित जी ने बताया था कि उसकी किस्मत में ना एक मौत लिखी है। अब मौत तो एक ही होती है, पर बस यही जानना था कि कहीं कहीं वो अभी तो नहीं आ गई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, प्लीज जल्दी बताइए ना वो जिंदा है या मर गई। वो सेफ है, वो रूम नंबर 5 है। रूम नंबर 5 देयर। मरती क्यों नहीं तू? क्या करूं मैं तेरा प्रीता? हाँ तुझे देख के ना मेरे अंदर का क्रिमिनल जाग जाता है। ये हाथ कंट्रोल में नहीं रहते, रुकते नहीं है, जी करता है बस तेरा गला दबा दूं, मार डालूं तुझे, दबा दूं क्या? नहीं कंट्रोल हो रहा, तू ही रोक लेना। अरे तू कैसे रुकेगी, तू तो बेहोश है ना, पर मैं क्या करूं, मेरे हाथों पे कंट्रोल नहीं हो रहा ना, दबा दू तेरा गला। हाँ एक मिनट, सीसीटीवी तो नहीं है ना? पता चले फंस जाऊं,
मर जा प्रीता, मर जा, मर जा, तेरा गला दबा के मारूंगी, मर जा प्रीता, मर जा। सहर का इंजेक्शन भी दे सकते हैं। मैम फॉर्म साइन हो गया आपका? हाँ जी फॉर्म साइन हो गया। वो मैं यहाँ से निकल रही थी, तुम दोनों को अंदर देखा। क्या हुआ प्रीता? क्या हुआ प्रीता? सच बोल रही हो? ओ सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलती। दूसरों के बिजनेस में ना कटाने की आदत है ना तुम्हें। वार्निंग दे रही हूँ मुझसे, मेरी दी से और राजवीर से 2 किलोमीटर की दूरी बनाए रखना, वरना मैं तुम्हें वहां पहुंचाऊंगी जहां से तुम कभी आ नहीं पाओगी। समझी? समझी? तुम जानती हो किससे बात कर रही हो? कौन हूं मैं? ये तुम अपने मॉम डैड को क्यों नहीं पूछती कि तुम कौन हो? मुझसे क्यों पूछ रही हो यार? और एक मिनट, मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना है, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी जुबान फिर से खराब नहीं करना चाहती। तो प्लीज यहाँ से जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।